लॉकडाउन के मद्देनजर बांका जिला अंतर्गत राज्य के सीमा से सटे मुख्य सड़कों पर बनाए गए चेक पोस्ट का निरीक्षण करने सोमवार को बांका के डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता पंजवारा स्थित झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाराहाट प्रखंड के बीडीओ शशिभूषण शाह और पंजवारा थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह से झारखंड बॉर्डर चेक पोस्ट की गतिविधियों की जानकारी ली और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के अलावे अन्य किसी भी प्रकार के वाहन को बिहार सीमा पर प्रवेश न देने का निर्देश दिया, साथ ही शराब माफियाओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान उन्होंने बैंक और ग्राहक सेवा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ में सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने पर रोष प्रकट करते हुए ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया। मौके पर सीओ शरत मंडल, बीसीओ रणधीर कुमार, डॉक्टर दिनेश भगत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव में कलयुगी पुत्र ने अपने सगे माँ बाप एवं बहन को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी अर्जन दास, इनकी पत्नी धोती देवी एवं पुत्री जानकी देवी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में जख्मी अर्जुन दास ने बताया कि इनकी पुत्री जानकी देवी को 10 वर्ष पूर्व ही दामाद ने छोड़ दिया है। तब से पुत्री मेरे पास ही रह रही है। पुत्री के जीवन यापन के लिए मैंने 1.5 दिसमिल जमीन दान पत्र में दिया था, जिस पर मेरी पुत्री झोपड़ी बनाकर रहती आ रही है। मेरा पुत्र अभिमन्यु दास एवं शंभु दास हमेशा ही मेरी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार करते हुए घर छोड़ने का दबाव बनाते आ रहा था, जिसका लिखित आवेदन रविवार के दिन थाने में देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस बात को लेकर सोमवार के दिन दोनों पुत्रों ने लाठी डंडे से प्रहार करते हुए हम लोगों को जख्मी कर दिया। जख्मी ने अपने दोनों पुत्रों को नामजद करते हुए थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए इनके पुत्र शंभु दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जारी का बुली का आरो साबुन बेटा मंगल का माय साथ करके लाई लेनी बस इतना ही। बहुत बड़का बेटा ला दोनों मिले का रात से आरो डंटा से अचानक मारा लगली काली साकिल लगाए के कोई गप सरका ओकरा से नहीं होले मारा लगले। रात ये धमकी दे ले कि काटी तो थाना में केस जे करना के काटी तो जिंदा नहीं आज बोया कह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और लॉकडाउन लगाकर सरकार लोगों से घर में रहने की लगातार अपील करने के साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले पर भी कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर बाराहाट प्रखंड के पंजवारा में सोमवार को केनरा बैंक के बाहर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा लाभुकों के खाते में भेजे गए रुपये की निकासी को लेकर बैंक के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई, जो आपस में बिना किसी दूरी के ही लाइन में खड़े थे। उधर बैंक के अंदर एक बार में 4 लोगों को ही प्रवेश मिलने पर ग्राहकों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाहर लाइन में इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे महिला लाभुकों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा। उधर इसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी कोई गंभीरतापूर्ण कदम उठाते नहीं दिखी। बांका के कटोरिया में सीएसपी संचालक दीप चौधरी का भतीजा अपने दोस्त के साथ करझौसा अपने सीएसपी केंद्र जा रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाए बाइक सवार 4 लोग तिलवारी पुल के पास पहले फायरिंग कर बाइक रोककर दोनों को गड्ढे में गिराते हुए हथियार के बल पर 1,30,000 रुपये लूटकर फरार हो गया। बाद में पुलिस घटनास्थल की ओर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए जख्मी मनीष और आशुतोष को इलाज के लिए बांका भेज दी है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर हैं। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक और जहां सरकार लोगों को इससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं कई सामाजिक संगठन भी लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजवारा पंचायत के मुखिया भोला पासवान की अगुवाई में युवाओं ने पंजवारा के कई गली मोहल्लों में जाकर
खाद्यान्न सामग्री जरूरतमंदों के बीच वितरण किया, साथ ही लोगों को साफ सफाई रखने, सामाजिक दूरी रखने के साथ साथ बेवजह घर से बाहर न निकलने का संदेश भी दिया गया। मौके पर अभिषेक भगत, राजेश अमित कुमार भगत, सिद्धार्थ जायसवाल, सी पूजन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।